Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune Newspaper of 19th January 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2019 magazine from our website spmisacademy.com. You can collect December 2019 compilation of newspaper analysis in printed magazine form from our Ganeshguri Center. And this is the address of our Ganeshguri Center. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is titled, No Assamese Woman Leaders Yet. And this topic is important from your syllabus paper to Indian society point of view. और इस आर्टिकल में जो आइडियाज दिए गए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं इन एसे राइटिंग आल्सो. सो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया. दिस आर्टिकल इज एक्चुअली इंटरव्यू ऑफ तिलोत्तमा मिश्रा जी एंड सी इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड सी इज अ रिनाउड नोवेलिस्ट ऑल्सो. और उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए. तो कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जैसे कि स्वर्णलता या लौहित्य सिंधु या फिर कौ मेखर घर, इन तरह के नॉवेल्स जो तिलोत्तमा मिश्रा जी ने लिखे हैं उनके नाम आप याद करें. इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि पूरे इंडिया भर में खासकर असम में वुमेन के अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी या कैपेबिलिटीज नहीं देखे गया है अभी तक. इंडिया के अंदर बहुत कम ऐसे वुमेन लीडर्स इमर्ज होकर के आए हैं. उसके पीछे उन्होंने कारण इंडियन सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसको बताया है. उन्होंने बताया है कि बहुत कम ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं, वुमेन पर्सनालिटीज़ हैं जो इमर्ज होकर के आई हैं एज लीडर्स अगर हम पूरे हिस्टोरिकल टाइम से ट्रेस करें तो. तो गिने चुने कुछ नाम उन्होंने बताए हैं जैसे कि सती साधनी, कनकलता बरुआ, भोगेश्वर फुकनानी, पुष्पलता दास, ऐसे कुछ नाम इन्होंने बताए. और उनका ऐसा कहना है कि पूरे इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है वेयर वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड दैट इज वाई द लीडरशिप कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड. और इस कारण से पूरे अगर हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग असम वुमेन लीडर्स की कमी रही है और कुछ ही ऐसे वुमेन लीडर्स निकल के आए हैं. और इस कारण से पेपर टू में जो हमारा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी उससे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप बताएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वुमेन पर्सनालिटीज इमर्ज होकर के आई हैं. तो एपीएससी में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि इन्यूमरेट फ्यू इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर्स दैट असम हैज सीन टिल डे. तो इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर्स को हम कवर कर लेते हैं. तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर को आज हम कवर करेंगे इज सती साधनी. सो लेट अस सी अबाउट हर बैकग्राउंड. सो रानी सती साधनी वाज लास्ट क्वीन ऑफ चूटिया डायनेस्टी एंड सी वाज डॉटर ऑफ चूटिया किंग धर्म ध्वज पाल. आप सबने अगर असम हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि चूटिया डायनेस्टी वाज कॉन्टेम्पोररी टू अहोम किंगडम. तो जो अपर असम वाला एरिया है इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश वो एरिया रूल करते थे चूटिया डायनेस्टी और उसके कॉन्टेम्पोरीज थे असम वैली को रूल करने वाली जो डायनेस्टी वो थी अहोम डायनेस्टी. और जो लास्ट चूटिया किंग थी सी वाज सती साधनी एंड हर फादर वाज धर्मध्वज पाल एंड सी वाज बॉर्न इन सदिया एंड वाज मैरिड टू नित्यपाल. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपसे प्रिलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे मेंस में भी कुछ इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं. आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानना है दैट इन 1523 अहोम किंगडम अटैक्ड चूटिया डायनेस्टी एंड किल्ड नित्यपाल हस्बैंड ऑफ रानी सती साधनी. तो 1523 में अहोम और चूटियाज के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें नित्यपाल हु वाज हस्बैंड ऑफ रानी सती साधनी वाज किल्ड एंड रानी सती साधनी ऑल्सो फॉट वैलियंटली बट अल्टीमेटली सी वाज डिफीटेड एंड आफ्टर द डिफीट सी वाज आस्क्ड टू मैरी अहोम गवर्नर ऑफ सदिया हु वाज नोन एज सदिया खोवा गोहाई. तो आफ्टर दैट डिफीट रानी सती साधनी वॉज फोर्स्ड टू मैरी गवर्नर ऑफ सदिया बट सी प्रेफर्ड टू जंप फ्रॉम
Chandragiri Hills in 1524 but did not marry Sadia Governor. और इनके इसी सैक्रिफाइस के कारण, इनके इसी हीरोइज्म के कारण उनको आज तक असम एंशियंट हिस्ट्री में हम याद रखते हैं. एंड सती साधनी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर इन असम इन ऑनर ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय रानी सती साधनी. एंड दिस डे इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट होलीडे बाय असम गवर्नमेंट. और हाल फिलहाल में असम गवर्नमेंट ने एक नया डिक्लेरेशन भी किया है. अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन अ न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी नेम्ड सती साधनी राज्यिक विश्वविद्यालय विल बी सेटअप इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट. उसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर को आज हम कवर करेंगे वो है कनकलता बरुआ. सो कनकलता बरुआ इज ऑल्सो नोन एज बीर बाला इन असम एंड सी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम असम. She was born in Barangbari village of Darang district of Assam and she actively participated in Quit India movement in 1942. At the age of 18 only, she was shot dead by Britishers near Gohpur police station. And she was part of Mrityu Bahini group and that was created in Assam to disrupt Britishers during Quit India movement. So, agar aapne Quit India movement ki history padhi hai, to usme aapne Mrityu Bahini organization ka naam jarur suna hoga, jisko Death Squad bhi bolte hain. Aur ye group banaya gaya tha during Quit India movement in order to disrupt British rule in Assam. Jiska active participant thi Kanaklata Barua ji aur isi group ko lead karte huye, she was shot dead in 1942 near Gohpur police station. And 22nd December is celebrated as her birth anniversary in Assam every year. उसके अलावा जो दूसरा important नाम आपको याद रखना है as woman leader from Assam वो है भोगेश्वरी फुकनानी. So she was born in 1885 in Bahrampur area of Nagaon. And though she was a housewife and a mother of a child, still she participated in India's freedom struggle. And she actively participated in civil disobedience movement in 1930. Us time mein unko 2 saal ke liye jail bhi ho gayi thi. When she was found picketing a liquor shop. Toh aapko pata hai ki civil disobedience movement ke time mein women activist बहुत ज़्यादा actively participate कर रही थी British shops, खासकर British के salt shops को, British के liquor shops and British के textile shops को picket कराने में, यानी कि उनको close कराने में. और वैसे ही एक picketing activity में भोगेश्वरी फुकनानी was jailed. During Quit India movement in 1942, she was shot dead by a British officer named Finch. अगला नाम जो आप याद रखेंगे वो है पुष्प लता दास. एंड सी वॉज बॉर्न इन 1915 इन नॉर्थ लखीमपुर टाउन एंड सी पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 एंड फॉर दैट सी वॉज अरेस्टेड फॉर 2 ईयर्स. तो आप सबको पता होगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 1940 में बिफोर लॉन्चिंग ए फुल फ्लेजर्ड मूवमेंट नेम्ड क्विट इंडिया मूवमेंट. क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि 1940 में द कंट्री वॉज नॉट रेडी फॉर ए फुल फ्लेजर्ड मूवमेंट और इस कारण से उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट करना की बात की थी. लेटर ऑन पुष्पलता दास ऑल्सो ज्वाइंट क्विट इंडिया मूवमेंट. सी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ मृत्यु बाहिनी. After participating as individual Satyagrahi, she also joined actively in Quit India movement. And later on, she was also married to a popular Congress leader of Assam, Omiyo Kumar Das. So, aapne Omiyo Kumar Das saab ka naam jarur pad rakha hoga Assam history ke andar, Assam modern history ke andar. And Pushpalata Das was wife of Omiyo Kumar Das ji. And after independence, she became member of Rajya Sabha also. And she has played very important role in Assam movement also. So Assam movement, jo aapko pata hai, against illegal infiltrators start hua tha 1979 mein, that lasted till 1985. Usko shape karne mein Pushpalata Das ji ne bhi active role play kiya hai. But she died in between the movement itself in 1983. Is pure topic se related ek objective question ya hum attempt kar sakte hain.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इस पूरे आर्टिकल में हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह को पासिंग रेफरेंस की तरह देखा है, उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम देख सकते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड आफ्टर विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देन वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 27 सितंबर 1940। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1940s में देश हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं था फॉर फुल फ्लेजेड मास मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम द ब्रिटिशर्स वेयर नॉट गिविंग अस इनफ पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्होंने एक अपने तरफ से प्रपोजल रखा भी, जो आप इंडियन हिस्ट्री में अगस्त ऑफर नाम से जानते हैं, जो 1940 अगस्त में रखा गया था, बट दैट ऑफर वाज नॉट वेरी मच कन्विंसिंग फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स। उन इस अगस्त ऑफर में कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म या सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं दिया गया था, एंड दैट इज वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद महात्मा गांधी ने चलाया इंडिविजुअल सत्याग्रह, और जो पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही चुने गए थे महात्मा गांधी द्वारा ऑन 27 सितंबर 1940, वो थे विनोबा भावे। द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही वाज जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही वाज ब्रह्म दत्त। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, देन वी विल फाइंड कि बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1940, नॉट इन 1934, एंड विनोबा भावे नॉट जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबोव। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का एक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रानी सती साधनी। तो इनसे रिलेटेड आप 100 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, बर्ड सेंसस इन काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिलेबस पेपर 4 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो एक बार देखते हैं न्यूज़ क्या आर्टिकल ये बता रहा है। तो रिसेंटली एक बर्ड सेंसस कराया गया है इन काजीरंगा नेशनल पार्क। बर्ड सेंसस मतलब काउंटिंग ऑफ बर्ड्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स काउंटेड अंडर दिस बर्ड सेंसस वेयर 24,410, एंड ड्यू टू दिस हाई नंबर ऑफ बर्ड्स फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, एक्सपर्ट्स वॉन्टेड टू बी डिक्लेयर्ड एज रामसार वेटलैंड साइट। तो साल दर साल काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस बर्ड सेंसस के बाद जब इतने सारे बर्ड्स की पॉपुलेशन पाई गई है इन काजीरंगा नेशनल पार्क, तो अब जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क को एक रामसार वेटलैंड साइट की तरह रजिस्टर करा देना चाहिए भारत सरकार को। आपको एक चीज़ जानना चाहिए जो इस आर्टिकल में भी दे रखा है, दैट काजीरंगा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पूरे आर्टिकल को जरा डिटेल में और देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो मैंने आपको बताया कि दैट काजीरंगा इज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सो बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बर्ड डाइवर्सिटी एरिया इज एन एरिया आइडेंटिफाइड यूजिंग इंटरनेशनली अग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरियाज एज बीइंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड पॉपुलेशन, एंड दिस क्राइटेरिया इज आइडेंटिफाइड बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो वर्क करती है इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स पॉपुलेशन, और उसने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं। उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने वाले साइट्स को एक टैग दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया टैग, और दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा साइट्स को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया टैग मिल चुका है, उसमें से एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया टैग जब एक बार किसी साइट को मिल जाता है अंडर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू कंजर्व बर्ड पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर साइट। उसके अलावा हमने इसी आर्टिकल में देखा कि चूंकि अब
काजीरंगा में बर्ड्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस कारण से वहाँ के एक्सपर्ट्स, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि भारत सरकार को अब काजीरंगा को एक रामसार वेटलैंड साइट की तरह रजिस्टर कर देना चाहिए। यू मस्ट नो दैट लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर जनरली फाउंड अराउंड वेटलैंड्स ओनली। तो जो वेटलैंड्स होते हैं वहीं पे लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, और अगर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स पाए जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसका मतलब है कि काजीरंगा एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज रामसार साइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेटलैंड क्या होते हैं, फिर हम लोग रामसार कन्वेंशन के बारे में भी समझेंगे। तो वेटलैंड का एक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। ये देखो, ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी, सरल शब्दों में बोले तो वैसा इकोसिस्टम जो पानी वाला हो, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया। और ये हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वैसा इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर हो। तो टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच वाला जो एरिया होता है, उनके बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, जो दलदल वाला एरिया होता है, मार्सी लैंड होता है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड इस तरह का कुछ होगा, अ सैलो वाटर एरिया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, अ सैलो वाटर एरिया। आप देख सकते हैं कि यह बर्ड अगर इस वाटर पे आराम से बैठ सकती है, यानी कि यह वाटर एरिया तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। सच टाइप ऑफ ट्रांजिशनल लैंड, ये जरूर ऐसा एरिया किसी ना किसी पॉन्ड और लैंड के बीच में रहा होगा या किसी रिवर और लैंड के बीच में रहा होगा। सच ट्रांजिशनल लैंड इज नोन एज वेटलैंड। अब ये आपको डेफिनेशन बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा, दैट वेटलैंड्स आर ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिस्टेरियल दैट इज लैंड एंड एक्वेटिक दैट इज वाटर बॉडी इकोसिस्टम। वेटलैंड के एग्जांपल हो सकते हैं मार्सेस, जिसको दलदल भी आप बोलते हैं, पॉन्ड्स, लेक और ओशन, या फिर डेल्टास। अब जरा समझते हैं रामसार साइट्स के बारे में। सो रामसार इज अ प्लेस इन ईरान, और 1971 में दुनिया भर की इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने मिल करके एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट या कन्वेंशन साइन किया था, जिसको हम कहते हैं रामसार कन्वेंशन। एंड दिस रामसार कन्वेंशन वाज साइंड बाय वर्ल्ड कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वेटलैंड, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड रामसार कन्वेंशन, जिसका टेक्निकल नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, इट वॉज साइंड ऑन 2 February 1971, एंड दैट इज वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रामसाइट इज अ प्लेस इन ईरान। आपको एक बात और ध्यान रखना है, दैट दिस ट्रीटी इज नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब कि कोई भी कंट्री अगर रामसार अग्रीमेंट को साइन करता है या कन्वेंशन का पार्ट बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि रामसार के जितने भी प्रोविजंस हैं उस कंट्री को इंप्लीमेंट करना ही है। दो इट इज़ नॉट लीगल बाइंडिंग, लेकिन फिर भी कंट्री जिसका पार्ट बनती हैं और रामसार साइट्स के जो भी प्रोविजंस हैं उसको अपने देश में इंप्लीमेंट करती हैं। एंड आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूएन और यूनेस्को कन्वेंशन। अक्सर इससे रिलेटेड प्रिलिम्स में सवाल उठ जाते हैं कि रामसार, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि रामसार इज अ साइट इन ईरान देयर एंड वेयर रामसार कन्वेंशन वॉज साइंड। ऑफकोर्स पहला स्टेटमेंट तो इस तरह से सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इस तरह का दे देते हैं कि रामसार कन्वेंशन वॉज साइंड अंडर यूनेस्को, और इस तरह में अक्सर आप गलती कर जाते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को कन्वेंशन। अब जरा देखते हैं कि कैसे कोई कंट्री इस रामसार कन्वेंशन या अग्रीमेंट का मेंबर बन सकता है। सो टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ए कंट्री हैज टू गेट एटलीस्ट वन साइट रजिस्टर्ड एज वेटलैंड इन रामसार वेटलैंड लिस्ट। तो रामसार कन्वेंशन के अंदर रामसार वेटलैंड लिस्ट बनाई जाती है, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रामसार वेटलैंड लिस्ट। और किसी भी कंट्री को अगर रामसार अग्रीमेंट का हिस्सा बनना है तो उसको अपने देश से कोई ना कोई एक वेटलैंड को इस रामसार वेटलैंड लिस्ट में इंक्लूड कराना होगा। और एक बार रामसार वेटलैंड लिस्ट में उस कंट्री का एक ना एक वेटलैंड अगर रजिस्टर हो गया, देन दैट कंट्री बिकम्स मेंबर ऑफ रामसार कन्वेंशन। एंड एक बार मेंबर हम बन गए रामसार कन्वेंशन के कोई भी कंट्री, तो उससे फायदे क्या होते हैं वो भी समझते हैं। रामसार कन्वेंशन
का मेंबर बनने के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नो हाउ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी मेंबर कंट्री। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे वेटलैंड को कंजर्व किया जा सकता है, वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे तौर तरीके हर एक मेंबर कंट्री को प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग रामासार साइट मेंबर। एक बात और आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले, यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा रामासार साइट्स हैं। इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स, वेटलैंड्स जो रामासार साइट्स में इंक्लूडेड हैं, दे आर 27 इन नंबर। तो सारे इंडिया के रामासार वेटलैंड साइट्स मैंने यहां आपको मेंशन करके दे दिए हैं। अब सारे के सारे आपको, आपके लिए आज इट इज़ याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एपीएससी के एस्पिरेंट्स ये तीन नाम जरूर याद रखेंगे जो रामासार साइट्स हैं इंडिया के इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सो रामासार साइट्स ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वो सिर्फ तीन हैं, और वो तीन नाम तो कम से कम आप याद रखेंगे ही। असम के अंदर बस एक रामासार साइट है, वो है डिपोर बिल, ये नाम तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा मणिपुर में एक रामासार साइट है लोकटक लेक, और त्रिपुरा में एक रामासार साइट है रुद्रसागर लेक। तो ये तीन नाम एपीएससी एस्पिरेंट जरूर याद रखेंगे। यूपीएससी वाले इन सारे नाम को बार बार देखेंगे, याद कर पाना सबको पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट, इट इज टाइटल्ड गोयल टू लीड इंडियन टीम टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 इन डावोस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। एक बार देखते हैं ये न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है। द न्यूज आर्टिकल सेज दैट यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल विल लीड इंडियन टीम इन 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट दैट इज टू बी हेल्ड इन डावोस फ्रॉम 20th टू 24th जनवरी 2020। सो इस पूरे आर्टिकल से रिलेटेड, जब एक बार ये मीटिंग हो जाएगी तो इसका जो भी आउटकम्स होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग के आउटकम्स, उनको हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल के हेल्प से हम लोग बस एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली है क्या। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड बेस्ड, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड दिस इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और ये हर साल एक एनुअल मीटिंग कराता है इन डावोस स्विट्जरलैंड, और इस मीटिंग को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। और इस मीटिंग के अंदर दुनिया भर से लगभग 2500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ इवन स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, तो अलग अलग फील्ड से, इकोनॉमिक्स के फील्ड से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, लगभग 2500 से 3000 एक्सपर्ट्स को, और उन सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मांगा जाता है, जर्नलिस्ट का, इंटेलेक्चुअल्स का, दैट व्हाट दे थिंक अबाउट द प्रेसिंग इशूज फेस्ड बाई द वर्ल्ड। तो जो दुनिया भर के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर इनटॉलरेंस, टेररिज्म, उन सब पे दुनिया भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, उनका ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये जो 2020 वाला समिट होने वाला है इन डावोस, दैट विल बी 50th समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस साल का थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये थीम जरूर याद रखेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम में ये थीम आपसे पूछा जा सकता है। हर दो तीन साल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कोई ना कोई एक सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में तो अक्सर पूछा गया है, तो अब एपीएससी में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में एक सवाल पूछा गया था दैट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस वेयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट प्रणाम एक्ट। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 6 असम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रणाम एक्ट के बारे में हम ब्रीफली समझ लेते हैं। प्रणाम स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एक्ट, एंड दिस एक्ट वॉज पास्ड बाई असम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2017। और इस प्रणाम एक्ट के हिसाब से नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड अनमैरिड डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग सिबलिंग्स हु डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम।
तो ये कानून पास किया था असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2017 में, जिसके हिसाब से अब असम सरकार के अंदर काम करने वाले सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अब ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें और अपने जो भी दिव्यांग या हैंडीकैप्ड भाई बहन हैं जिनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अगर अनमैरिड हैं तो उनकी देखभाल करना भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी अग्रीव्ड पीपल हैं, जैसे कि बूढ़े माँ बाप या डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन, दे कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट विथ प्रणाम कमीशन। तो एक कमीशन भी बनाया गया इस एक्ट के हिसाब से जिसका नाम है प्रणाम कमीशन, और इसका हेडक्वार्टर है पान बाजार गुवाहाटी में। वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर किया जा सकता अगेंस्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और एक बार अगर रजिस्टर कंप्लेन कर दिया गया अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन प्रणाम कमीशन, देन द सैलरी ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय माइट बी डिडक्टेड बाई 10-15%। और ये जो सैलरी डिडक्ट किया जाएगा 10-15%, वो उन बूढ़े माँ बाप या उस डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन के अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से असम सरकार एंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप या अपने हैंडीकैप्ड भाई बहन का ध्यान रखें। अगर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आता है इन प्रणाम कमीशन, तो असम सरकार उनके सैलरी से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट करके बूढ़े माँ बाप के अकाउंट में पैसे डाल देगी। अभी के लिए तो दिस एक्ट कवर्स ओनली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द स्टेट पीएसयू एम्प्लॉयज, बट ऐसा भी प्रोविजन लिखा गया इस बिल में कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड इवन द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग इन असम स्टेट माइट बी कवर्ड इन दिस एक्ट एट अ लेटर स्टेज। Let us cover some prelims related facts that came in the newspaper. Mobile services and 2G data services have been started in Jammu and Kashmir. Under Punyadham Yatra scheme of Assam government, the Assam government will send about 3,000 pilgrims of age 58 to 70 years to many pilgrim stations across the country. 59th Bodo Sahitya Sabha will be held in Khorabari in Udalgari district from 28th to 22nd January. That's all from our side today. Thanks for watching.